Hello everyone, myself Ratandeep Sekho, Physics Faculty, CLC Seeker. Today we are going to discuss about JEE Advanced 2019 paper 2. इस पेपर में बेसिकली तीन सेक्शन है अपने पास. फर्स्ट सेक्शन में 8 क्वेश्चंस हैं, वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप के. सेकंड क्वेश्चन अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चंस थे, जिसमें 6 क्वेश्चंस आएंगे. और थर्ड सेक्शन में 4 क्वेश्चंस हैं लिस्ट मैच टाइप के. तो टोटल इसमें 18 क्वेश्चन अपने सामने आए थे. तो फर्स्ट 9 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट 9 क्वेश्चंस मेरे फ्रेंड मिस्टर केसी चौधरी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो आएगा मैकेनिक्स से है ये क्वेश्चन. और क्वेश्चन में ये है कि एक स्मॉल पार्टिकल एम मास का विच इज मूविंग इनसाइड अ हॉलो स्ट्रेट, सॉरी अ पिस्टन ऑफ हैवी पिस्टन इज मूविंग इनसाइड अ हॉलो स्ट्रेट ट्यूब अलॉन्ग ट्यूब एक्सिस. और ये जो पार्टिकल है ये इसके साथ इलास्टिक कोलिजन कर रहा है. जो भी कोलिजन है वो हमेशा इलास्टिक है, फ्रिक्शन कहीं मौजूद नहीं है. तो वन थिंग इज कि एनर्जी जो रहेगी उस पार्टिकल की वो हमेशा कंजर्व रहने वाली है. दूसरा ये जो पिस्टन यहाँ बोला गया, अपन को इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इसकी टोटल जो एल लेंथ है इनिशियली वो एल नॉट थी और पार्टिकल की इनिशियल स्पीड जो है वो वी नॉट दी हुई है. एक कंडीशन अपने पास ये भी है कि पिस्टन की जो स्पीड वी है ये डी एल अपॉन एल वी नॉट के कंपेरिजन में बहुत स्मॉल रहेगी. मीन्स जो पिस्टन है इसको अपन ने नेग्लिजिबल स्पीड से मूव करते हुए मानना है. तो कुछ चीजें अपने पास ऑप्शंस में आ रही हैं, वन बाय वन अपन उनको डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट थिंग देखिए, जब कोलिजन हो रहा है तो स्टार्टिंग में ये जो पिस्टन है ये मूव कर रहा है किसी स्पीड वी से, और जो पार्टिकल आ रहा है ये स्पीड वी नॉट से आ रहा है. लेट अस सपोज कि फर्स्ट कोलिजन के बाद ये हुआ कि जो पार्टिकल है इसकी स्पीड हो रही है वी वन, और पिस्टन जो है ये उसी स्पीड कॉन्स्टेंट स्पीड वी से मूव करता रहेगा, बिकॉज मास जो है इसका वो कंपेरेटिवली बहुत लार्ज रहेगा. तो हमें ये पता है कि इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. यहां से जब अपन सॉल्व कर रहे हैं तो अपने पास वी वन की वैल्यू आएगी वी नॉट प्लस टू वी, राइट. फिर ये पार्टिकल जाएगा सेकेंड टाइम कोलाइड करेगा, कोलिजन के टाइम ये वी वन स्पीड के साथ इसके साथ जाके कोलाइड करेगा. वी वन स्पीड के साथ जाके कोलाइड करने के बाद कोलिजन के बाद स्पीड हो जाएगी इसकी कुछ लेट अस सपोज वी टू. सिमिलरली अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का यूज करेंगे, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन है तो अपने पास आएगा कि सेकेंड कोलिजन के बाद जो स्पीड आ जाएगी बिल्कुल सेम रिलेशन में अपन उसको लिख सकते हैं कि वी वन प्लस टू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ पिस्टन हो जाएगा. अगेन थर्ड कोलिजन में भी यही होने वाला है. हर बार इलास्टिक कोलिजन में अपन ये देखेंगे कि जो इस पार्टिकल की स्पीड है वो पिछली स्पीड से टू टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो रही है. तो ऐसा एक ऑप्शन तो देखिए अपने पास पहला ही आ रहा है कि आफ्टर ईच कोलिजन विद द पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाय 2v, व्हिच इज ट्रू. नेक्स्ट, हमसे इसने ये डिस्कशन किया हुआ कि किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl के लिए बातचीत कर रहे हैं. और एक थर्ड क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, रेट एट विच पार्टिकल स्ट्राइक्स विद द पिस्टन. तो मतलब ये हो रहा है कि पार्टिकल जब पिस्टन के साथ कोलाइड कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बातचीत हो रही है. देखिए अपन ये कह रहे हैं कि पार्टिकल जाके कोलाइड किया, कोलिजन के बाद वापस आया एंड सो ऑन. तो एक बार कोलिजन के बाद वापस पिस्टन तक जाने में 2L डिस्टेंस इसने ट्रेवल करना है, स्पीड है इसकी v. तो अगर अपन ये देखें टाइम कितना लगने वाला है एक कोलिजन में, तो एक कोलिजन के लिए इसको टाइम लग रहा है 2L बाय v, राइट. अपन ये देख रहे हैं कि किसी स्मॉल टाइम dt में अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ कोलिजन्स अपने पास कैलकुलेट होके आ जाएंगी 2L बाय v इनटू dt. सबसे पहले तो ये देखिए कि रेट जिस पे ये स्ट्राइक कर रहा है वो अपने पास 2L बाय v आ जाएगा, और ये टाइम है तो फ्रीक्वेंसी की अगर अपन बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी अपने पास आ जाएगी v बाय 2L, जिसको ये रेट के बारे में बोल रहे हैं. तो थर्ड ऑप्शन अपन यहां पर टिक नहीं करेंगे. अच्छा नेक्स्ट इसमें देखिए कि अपन सपोज dt टाइम में बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो ये पार्टिकल कर रहा है dt टाइम में वो अपने पास आ जाएंगी v बाय 2L इंटू dt. और इसी टाइम में जब अपन बात कर रहे हैं कि पिस्टन जो मूव कर रहा है, पिस्टन के लिए अपन बात करेंगे कि पिस्टन ने कुछ लेट अस सपोज dl डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उसके लिए जब अपना डिस्कशन रहेगा तो dl डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है v स्पीड से और उसको टाइम लग रहा है dt. नेक्स्ट अपन जो इसमें डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि एक बार कोलिजन में अगर पार्टिकल की स्पीड जो है वो 2v से चेंज हो रही है तो n नंबर ऑफ कोलिजन्स में जो चेंज इन स्पीड आएगा अपने पास वो आना चाहिए n इंटू टू वी. एन की वैल्यू अगर अपन यहां से नंबर ऑफ कोलिजन्स की बात करते हैं
तो अपने पास जो चेंज इन स्पीड आएगा डी टी टाइम में वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा v बाई टू एल इंटू टू वी और इंटू डी टी। अच्छा डी टी का रिलेशन मैं एल और कैपिटल वी की टर्म्स में अगर यहाँ से रिप्लेस करता हूँ तो देखिए अपने पास जो रिजल्ट आएगा इसका चेंज इन स्पीड डी वी जो आ जाएगा वो आ जाएगा v बाई एल इंटू वी और जो अपने पास डी टी की वैल्यू यहाँ से आएगी इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ डी एल अपॉन वी से। तो जब अपने पास चेंज इन स्पीड की बात करेंगे तो ये आ जाएगा v बाई एल इंटू डी एल। एक रिलेशन देखिए सेकंड में जो बात कर रहा है कि जो पिस्टन डी एल मूव कर रहा है तो पार्टिकल की स्पीड इंक्रीजेस बाय 2v विच इज इक्वल्स टू डी एल बाई एल, बट ऐसा रिलेशन अपने पास कुछ मैच नहीं कर रहा। ये अपने पास आएगा कि जो चेंज इन स्पीड आ रहा है वो v डी एल बाई एल के इक्वल आएगा। तो नेक्स्ट है कि अपन इसको भी यहाँ पर चूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास देखिए एक रिलेशन ये आ रहा है कि जो चेंज इन स्पीड हुआ है डी वी उसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एल के साथ रिलेशन अपने पास जो है वो अभी अपन को बोर्ड पर नजर आ रहा है कि डी वी इक्वल्स टू वी बाई एल इंटू डी एल। हमें ये पता है कि जैसे जैसे ये पिस्टन मूव करेगा इसके पास आएगा तो एल जो है वो कम हो रहा है। तो अपन रिलेशन लिखने के लिए देखिए डी वी इक्वल्स टू वी बाई एल और क्योंकि चेंज जो है वो नेगेटिव आ रहा है तो मैं यहाँ पर एक माइनस साइन कंसिडर करूंगा। इसको हम लिख सकते हैं dv by v equals to minus of dl by l। अब मैं लिमिट पुट करने जा रहा हूं। देखिए इनिशियली जो पिस्टन है वो किसी l नॉट सेपरेशन पर है तो पार्टिकल की स्पीड है कुछ v नॉट। बात कर रहे हैं कि जब ये सेपरेशन l नॉट by 2 हो जाएगी तब स्पीड कितनी है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विल गेट ln v by v नॉट equals to minus ln of l नॉट by 2 by l। इसको सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा एल एन हाफ नेगेटिव का विच इज एल एन टू। कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स पर तो वी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी टू टाइम्स वी नॉट। देखिए फोर्थ ऑप्शन में ये बात कर रहा है कि पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितने से इंक्रीज हो रही है क्योंकि स्पीड जो है वो ट्वाइस हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिल्कुल फोर टाइम्स इंक्रीज होने वाली है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो फर्स्ट एंड फोर्थ आएगा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आ रहा है वो रोटेशन से है और कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि अ थिन एंड यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम लेंथ एल इज हेल्ड वर्टिकल ऑन अ फ्लोर विद लार्ज फ्रिक्शन। तो एक तो ये है कि इनिशियली जो रॉड है वो वर्टिकल है और दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि यहां फ्रिक्शन लार्ज है। इट मीन्स जब भी रॉड ने रोटेट करना है तो इस लोएस्ट पॉइंट के रिलेटिव रोटेट करना है। इसको अपन फिक्स पॉइंट मान रहे हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो यहां से पास होगा। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रहा है तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 3। नेक्स्ट में देखिए द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट सो दैट इट फॉल्स बाय रोटेटिंग अबाउट इट्स कॉन्टैक्ट पॉइंट विद फ्लोर विदाउट स्लिपिंग। ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं अपन चेक करके बताएंगे कि करेक्ट आएंगे। जब ये रॉड व्हेन द रॉड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल, यहां से रिलीज किया वर्टिकल के साथ ये रॉड बना रही है 60 डिग्री का एंगल। इस पोजीशन में बात करें अपन इस रॉड पर लगने वाले फोर्सेस की बात करेंगे तो एक फोर्स लगेगा इस पर mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स ग्राउंड से फ्रिक्शन और कॉन्टैक्ट सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन। रॉड जो है रोटेट करके यहां जा रही है तो इसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी होगी एज वेल एज इस पोजीशन पर इसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट दिस एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए इस पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो, नॉर्मल का टॉर्क जीरो, टॉर्क बचेगा किसका mg का। और जब अपन एक्सिस इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे वो आएगा l by 2 का sin 60 वाला कंपोनेंट। तो मैं टॉर्क लिख रहा हूं mg into l by 2 sin 60 और ये टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू i into तो जैसे ही अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अपने पास अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी। मेरे साथ रहिएगा साइन 60 इज रूट 3/2। ठीक है जी, एक एम से एम कैंसिल आउट हो रहा है एक एल से एल कैंसिल आउट हो रहा है तो 3√3 जी 2 × 4 और एक एल यहां पर अपने पास आ जाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू अपने पास आएगी वो ये रहेगी। नेक्स्ट देखिए इसमें अपन से बात कर रहा है तो
एंगुलर स्पीड के बारे में। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है सेकंड ऑप्शन देखिए वो अपने से इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो अपन इस ऑप्शन को चूज नहीं करने वाले। एंगुलर स्पीड की बात कर रहे हैं तो अपन एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं वहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो दोनों इनका फोर्सेस का वर्कडन हो जाएगा जीरो। वर्कडन आएगा सिर्फ ग्रेविटी का, और ग्रेविटी का वर्कडन देखने के लिए अपन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं, जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सेंटर ऑफ मास इनिशियली एल बाई टू हाइट पर है, और बाद में इसकी वर्टिकल जो हाइट बचती है वो एल बाई टू कॉस 60 बचेगी। इट मीन्स सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना नीचे आएगा, एल बाई टू माइनस एल बाई टू कॉस 60। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जब अपन लिखेंगे तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा एम जी इंटू ये वर्टिकल हाइट, और वो लॉस कहाँ जा रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ तो ये आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? तो कॉस 60 इज 1/2, एल बाय टू माइनस एल बाय फोर ये टर्म बचेगी अपने पास एल बाय फोर, तो रिलेशन आ रहा है एक एम कैंसल आउट हो रहा है, ये बचेगा जी, एल बाय फोर में से एक एल भी कैंसल आउट हो रहा है, वहां बचेगा 1/2 एल बाय थ्री ओमेगा स्क्वायर, ये इससे कैंसल आउट होगा तो अपने पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 3g बाय 2l का रूट। ये ऑप्शन अपना मैच कर जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए अपन से डिस्कशन कर रहा है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो रॉड पर कितना लग रहा है और रेडियल एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट दिस एक्सेलरेशन। जब रॉड इस पोजीशन से रिलीज किया और इसने गिरना शुरू किया तो जो सेंटर ऑफ मास है इसका मोशन सर्कुलर मोशन। सेंटर ऑफ मास जब सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो किसी इस पोजीशन पर इसके पास दो तरह का एक्सेलरेशन होगा, वन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड अनदर इज रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन अपन इसको बोल सकते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा आर अल्फा, और रेडियल एक्सेलरेशन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। अब जब अपन थर्ड और फोर्थ पार्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन रेडियल एक्सेलरेशन की बात करें तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल बाय टू। तो देखिए जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये आएगा ओमेगा स्क्वायर और इनटू आर, आर है इसके लिए एल बाय टू। तो सॉल्व करते हैं तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी 3g बाय 4, तो ये ऑप्शन अपना इसमें मैच करेगा। नेक्स्ट हमने देखना है नॉर्मल रिएक्शन, तो मैं एक काम कर रहा हूँ जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ है उसमें जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हैं। तो अपन को ये पता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा, तो मैं एक्सेलरेशन के भी यहां पर कंपोनेंट्स कर लूंगा। ये एंगल 60 डिग्री गिवन है तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और ये वाला एंगल आ जाएगा अपने पास 30 डिग्री। वर्टिकली डाउनवर्ड पॉजिटिव मानते हुए अगर मैं लिखूंगा तो नेट फोर्स जो लग रहा है इस पर वो आएगा एम जी डाउनवर्ड्स है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, इक्वल्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ए सी का एक कंपोनेंट आएगा ओमेगा स्क्वायर एल बाय टू का कॉस 60 वाला कंपोनेंट प्लस टेंजेंशियल का जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस 30। तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलरेडी पता है या ओमेगा पता है, वैल्यूज यूज कर सकते हैं। अल्फा हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं उसकी वैल्यू यूज करेंगे, तो सॉल्व करने पर जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी वो अपने पास आ रही है एम जी बाय 16, जिससे अपना थर्ड ऑप्शन भी जो है मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो मैच करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मॉडर्न फिजिक्स से है, और इसमें बेसिकली कुछ मोमेंटम की बातचीत की हुई है, कुछ एनर्जी की बेसिक टर्म्स की बात कर रहे हैं और वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल अपन बेसिक रिलेशंस में जाके सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन, अ फ्री हाइड्रोजन एटम आफ्टर अब्सॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ए गेट्स एक्साइटेड फ्रॉम एन इक्वल्स टू 1 टू एन इक्वल्स टू 4। तो सपोज कोई भी एक हाइड्रोजन एटम है, लैम्डा ए वेवलेंथ का एक फोटोन इसने अब्सॉर्ब किया, अब्सॉर्ब करेगा किसी स्पीड से मूव करना शुरू करेगा, ठीक है जी। और इसने ये बोला हुआ है कि जो हाइड्रोजन एटम है जैसे ही ये इसको एब्जॉर्ब करता है लैम्डा ए को, तो ये एन इक्वल टू 1 से एन इक्वल टू 4 स्टेट तक चला जाता है। अगर अपन क्वेश्चन साथ के साथ देखते जाएं तो चीजों का अपने पास क्लियर एक हिंट मिलता जाएगा कि जो फोटोन इसने अब्सॉर्ब किया, अगर अपन उसकी एनर्जी की बात करें तो एनर्जी आएगी अपने पास 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर नेगेटिव का, ये किसी गिवन स्टेट की एनर्जी होती है। मैं यहाँ एनर्जी गैप की बात करूंगा
तो 13.6 वन यहाँ की एनर्जी और -13.6 अपॉन 16 यहाँ की एनर्जी, तो जो डिफरेंस आएगा मेरे पास वो डिफरेंस आएगा इतना, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच सी अपॉन लेमडा ई। नेक्स्ट इसमें देखिए, इमीडिएटली आफ्टर दैट द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एन इक्वल टू एम स्टेट बाय एमिटिंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा ई। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तो ये किसी एन इक्वल्स टू एम स्टेट तक जंप कर रहा है, और जब ये जंप करेगा तो इसने एक फोटोन एमिट किया जिसकी वेवलेंथ अपने पास है लेमडा ई के इक्वल। लेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एटम ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन आर डेल्टा पी ए एंड डेल्टा पी ई रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पहले रेस्ट पर था, इसको एब्जॉर्ब किया, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हमें पता चलेगा कि जो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का है वो बाद में भी रहने वाला है। तो जो चेंज आया हाइड्रोजन एटम के मोमेंटम में वो एच बाई लेमडा ए बोल सकते हैं अपन। तो डेल्टा पी ए की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो आ जाएगी एच बाई लेमडा ए। सिमिलरली देखिए, जब ये फोटोन एमिट कर रहा है तब भी इसने बोला है कि कुछ ना कुछ चेंज आएगा मोमेंटम का, तो उस चेंज की भी अगर बात करें तो टोटल यहाँ मोमेंटम एच बाई लेमडा ए है, उसमें से कुछ इसके पास बचेगा और एच बाई लेमडा ई मोमेंटम ये लेके चला जाएगा। जितना मोमेंटम इसके पास है अपन बोल सकते हैं कि इसका चेंज होगा, तो डेल्टा पी ई जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा एच बाई लेमडा ई। एक हमें इंफॉर्मेशन ये भी दी हुई है कि लेमडा ए अपॉन लेमडा ई इज 1/5। नेक्स्ट अपन ऑप्शंस 1/1 चेक कर रहे हैं क्या क्या रिलेशंस आएंगे। अच्छा देखिए, एक तो एम के बारे में पूछा हुआ है, एक लेमडा ई के बारे में पूछा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी के रेशो की बात कर रहे हैं। हमें ये पता है कि जो एनर्जी का रिलेशन होता है 1/n² के प्रोपोर्शनल रहेगा, और एक रिलेशन इसने ये पूछा हुआ है, तो ये तो अपन ऑप्शन यहीं से सॉल्व कर लें। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ तो डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा पी ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास आएगी लेमडा ई अपॉन लेमडा ए। क्लियरली लेमडा ई अपॉन लेमडा ए की 5 है, तो ये वाला रेशो तो अपने पास मैच नहीं करेगा, तो अपन इसको चूज यहां नहीं करने वाले। क्लियर। नेक्स्ट अपन वापस वहां चलते हैं। देखिए, एक तो एनर्जी गैप है n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 का, दूसरा एनर्जी गैप अपन ये वाला लिख रहे हैं। अगर मैं इस एनर्जी गैप को लिखूंगा तो ये आएगा 13.6 1/m² -1/16 n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू e में। इसको मैं क्या लिखूंगा, ये डिफरेंस जो है एक फोटोन एमिट कर रहा है जिसकी वेवलेंथ हमें पता है। इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं अपन तो देखिए रिलेशन ये आएगा 15/16 ओवर ये वाली वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1/m² -1/16 इक्वल्स टू यहां से एच सी जाएगा, तो ये जो रेशो आएगा ये आएगा लेमडा ई बाय लेमडा ए, जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। इसको अपन लिखेंगे 5, तो जैसे ही अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 15/16 इक्वल्स टू 5/m² -5/16 इधर आएगा 20/16, 5 से हो जाएगा 4/16। जैसे अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं तो m की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2। ये रिलेशन अपने पास मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें देखिए ये बोल रहा है कि लेमडा e जो है ये है कितना, तो जब अपन लेमडा e की बात करेंगे वो तो ये वाला एनर्जी गैप है। एनर्जी कितनी है, ये रही 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉरी, और ये आ जाएगा 1/4 -1/16 और ये उसने दिया हुआ है कि एच सी बाय लेमडा ई है। देखिए, एच सी की वैल्यू अपन को 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में दी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वाली एनर्जी है, इसको यहां पुट करेंगे तो लेमडा ई की वैल्यू हमारे पास नैनोमीटर में आ रही है। गिवन डाटा को जैसे ही अपन सॉल्व करते हैं तो लेमडा ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आई गेस 487.05 नैनोमीटर के आसपास रहेगी अपने पास, तो ये वाला ऑप्शन इसमें मैच नहीं करेगा। एक ऑप्शन और है, द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट एन इक्वल टू एम टू एन इक्वल्स टू 1। हम पहले भी बोल चुके हैं कि जो एनर्जी है वो 1/n² के प्रोपोर्शनल है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम बाय 1, तो ये अपने पास रेशो कितना आ जाएगा 1/m² के इक्वल, एम की वैल्यू 2 है तो ये रेशो आ जाएगा अपने पास 1/4। तो इस ऑप्शन क्वेश्चन के जो सही ऑप्शंस आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1st एंड 3rd। क्लियर। नेक्स्ट अपन इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स से है ये क्वेश्चन और दो गैसेस के मिक्सचर की बात कर रहे हैं। एक मोनोटॉमिक गैस है, एक डायटॉमिक गैस है। मोनोटॉमिक गैस 5 मोल्स और डायटॉमिक गैस जो है इसके
वन मोल गिवन है। तो देखिए दो गैसेस की सबसे पहले अपन यहाँ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जो फर्स्ट गैस है ये मोनोटॉमिक गैस है, हमें ये पता है कि मोनोटॉमिक गैस है तो सी वी की वैल्यू एफ बाई टू आर ये हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी थ्री हो जाएगी, तो थ्री बाई टू आर, सी पी की वैल्यू आ जाएगी फाइव बाई टू आर, और इसके हमें नंबर ऑफ मोल्स देखिए गिवन है फाइव। सेकेंड जो गैस अपने पास मौजूद है, सेकेंड गैस है डायटोमिक गैस, और इस डायटोमिक गैस में देखिए उसने जो डाटा दिया हुआ है, डायटोमिक गैस है तो हम सी पी और सी वी की वैल्यू तो लिख सकते हैं, फाइव बाई टू आर एंड सी पी सेवन बाई टू आर, और नंबर ऑफ मोल्स जो हमें गिवन है इसमें वो है वन। इनिशियल कंडीशन में प्रेशर भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, टेम्परेचर भी पता है। और देखिए इफ गैस मिक्सचर इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू वी नॉट बाय फोर तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि इस गैस के मिक्सचर की बात कर रहा है और एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हमें एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट की बात कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ पाएंगे। तो एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट फॉर मिक्सचर जो गामा ऑफ मिक्सचर रहता है, एज वी ऑल नो एन वन सी पी वन प्लस एन टू सी पी टू अपॉन एन वन सी वी वन प्लस एन टू सी वी, ये रेशो रहेगा इसके गामा मिक्सचर की कैलकुलेशन में। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो एन वन है अपने पास फाइव, सी पी है फाइव बाई टू आर, एन टू की वैल्यू है वन, सी पी है सेवन बाई टू आर ओवर फाइव, थ्री बाई टू आर प्लस वन इंटू फाइव बाई टू आर। तो अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं तो 25 और प्लस 7 32R by 2 तो न्यूमरेटर में रहेगा, और 15 प्लस 5 20R by 2 डिनोमिनेटर में रहेगा, तो ये आ जाएगा 32 by 20। जैसे ही अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.6। देखिए एक ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मौजूद है कि एडियाबेटिक कांस्टेंट जो है वो 1.6 है, तो अपना एक ऑप्शन तो यहाँ मैच कर रहा है। नेक्स्ट इसमें जो बातचीत कर रहा है, देखिए एक तो वगडन की है, एज वी ऑल नो कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन अपन लिखते हैं वो हो जाएगा एन आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल ओवर गामा माइनस वन। तो वर्क डन की बातचीत के लिए हमें टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बातचीत कर रहे हैं, टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए, और एक प्रेशर की बातचीत कर रहे हैं। तो ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस है तो अपन रिलेशन यूज करेंगे इसमें, पी वी रेज टू पावर गामा कॉन्स्टेंट है तो मैं रिलेशन यूज कर रहा हूँ, पी नॉट वी नॉट रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू पी फाइनल, वी फाइनल कितना है यहाँ पर वी नॉट बाई फोर रेज टू पावर गामा। देखिए वी नॉट की पावर गामा कैंसिल आउट हो रहा है, पी फाइनल अपने पास आ जाएगा पी नॉट इंटू फोर रेज टू पावर गामा, फोर को टू रेज टू पावर टू लिखेंगे तो यह आएगा टू रेज टू पावर टू गामा, और गामा की वैल्यू 1.6 तो 2 गामा हो जाएगा 3.2। इसकी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि 2 रेज टू पावर 1.2 और 2 रेज टू पावर 3.2, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ, 2 रेज टू पावर 3.2 का डाटा गिवन है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9/2, तो ये अपने पास प्रेशर जो फाइनली आ जाएगा ये आएगा 9.2 पी नॉट, राइट। नेक्स्ट अपन टेम्परेचर की अगर बात करें तो जो टेम्परेचर का रिलेशन अपने पास आएगा वो है टी वी रेज टू पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो टी नॉट वी नॉट रेज टू पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू टी फाइनल, फाइनल वॉल्यूम है वी नॉट बाय फोर गामा माइनस वन। अगेन जब यहां टेम्परेचर की हम बात करने वाले हैं तो फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा टी नॉट टाइम्स वी नॉट रेज टू पावर गामा माइनस वन, कैंसिल आउट हो रहा है, अपने पास बचेगा 4 रेज टू पावर गामा माइनस वन। देखिए गामा 1.6 है तो गामा माइनस वन हो जाएगा 0.6, इसको अगेन मैं 2 रेज टू पावर 2 लिखूंगा तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 0.6 ही आ जाएगा 2.12, और जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 2.3, तो अपने पास जो टेम्परेचर आ जाएगा ये 2.3 टाइम्स टी नॉट रहेगा। अब इन वैल्यूज का यूज करके अपन सेकेंड और थर्ड डाटा की बात करेंगे, अपना जो प्रेशर आ रहा है वो है 9.2 पी नॉट, जो कि क्लियरली इस रेंज में लाई कर रहा है जिसके बारे में उन्होंने हमसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए वर्क डन की बात करेंगे और काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, तो वर्क डन के लिए हम रिलेशन ऑलरेडी लिख चुके हैं, जो वर्क डन आ जाएगा वो आएगा एन आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल अपॉन गामा माइनस वन। तो देखिए वर्क डन लिखूंगा मैं, एन है 6, आर टी इनिशियल टी फाइनल
ओवर गामा माइनस वन, गामा की वैल्यू 1.6 है तो गामा पॉइंट वन कितना आ जाएगा 0.6, ये आ जाएगा माइनस 1.3 टी नॉट, और अपने पास जो टोटल वैल्यू बचेगी नेगेटिव 13 आर टी नॉट के इक्वल बचेगा। टोटल वर्क डन नेगेटिव है बिकॉज कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, बट ऑप्शन में उसने मॉड डब्ल्यू के बारे में बातचीत की हुई है तो हम इसको 13 आर टी नॉट को चूज करने वाले। नेक्स्ट देखिए, एक ऑप्शन इसमें और अपन को चेक करना पड़ेगा, वो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मिक्सचर। देखिए, जब अपन एनर्जी की बात कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ही है क्योंकि अपन इंट्रैक्शन कंसिडर नहीं करते, और इन जनरल जो एनर्जी का रिलेशन होता है वो अपन लिखते हैं NCVT। किसी भी टेम्परेचर पर जब अपन बात कर रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेसिकली डिफाइन किया जाता है NCV डेल्टा टी से। तो दोनों गैसेज के लिए अगर अपन इंडिविजुअली इस गिवन टेम्परेचर पर एनर्जी लिखने की कोशिश करेंगे तो वो एनर्जी अपने पास ये आ जाएगी एट टेम्परेचर टी नॉट, वो हमसे बात कर रहे हैं। सारा डाटा हमारे पास मौजूद है, N1 पता है, CV पता है, टी नॉट की बात ऑलरेडी हो रही है यहाँ पर, N2 पता है, CV2 पता है, टी नॉट की बातचीत हो रही है। इस डाटा को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू जो है वो 23 आर टी नॉट के इक्वल आती है, तो ये अपना पास जो थर्ड ऑप्शन आएगा वो इसमें मैच नहीं करेगा। तो जो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो आ जाएंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट प्लीज, एक अच्छा क्वेश्चन डला हुआ है, थोड़े से बेसिक भी इन्वॉल्व रहेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए, गिवन है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 2m इज अटैच्ड टू अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, और ये जो ब्लॉक है ये फर्दर आगे कनेक्ट किया हुआ है एक पुली से, और वो पुली पर दो ब्लॉक्स अगेन हैंग कर रहे हैं m और 2m मास के। एक्सेलरेशन मेंशन किया हुआ है कि 2m ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो a1 है, m का a2 है, और 2m का a3 एक्सेलरेशन है। सबसे पहले अपन कंस्ट्रेंट मोशन का यूज करके बात करते हैं, इस जगह पर जो एक्सेलरेशन के रिलेशन आएंगे सबसे पहले उनका डिस्कशन कर लेते हैं अपन। गिवन है कि ब्लॉक जब a1 से मूव करेगा तो ये पुली भी a1 एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, इसका एक्सेलरेशन हमें a2 गिवन है, इसका एक्सेलरेशन हमें a3 गिवन है। विद रिस्पेक्ट टू पुली मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, पुली के रिलेटिव बात करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में इनको मिलेगा, तो पुली के रिलेटिव जो एक्सेलरेशन आ जाएंगे इन दोनों ब्लॉक्स के वो ये रहेंगे। अब हमें पता है कि पुली के रिलेटिव स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का यूज करते हुए बात करेंगे, जितना यहाँ से स्ट्रिंग कम होना है उतना यहाँ से उसकी लेंथ बढ़नी है, डिफ्रेंशिएट करने के पास बाद अपने पास एक्सेलरेशन के रिलेशन आ जाएंगे, तो नेट एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का कितना रहेगा वो है a1 माइनस a2 ऊपर की तरफ, उतना ही एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ भी आना चाहिए, तो ये अपने पास आएगा a3 माइनस a2। तो कंस्ट्रेंट का रिलेशन हमें ये बता रहा है कि ये a1 रहेगा ना, पुली नीचे की तरफ जा रही है तो ये a1 रहना चाहिए, तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो ये रिलेशन आएगा अपने पास 2 times a1 equals to a2 plus a3। तो एक रिलेशन देखिए कंस्ट्रेंट का यहाँ ऑप्शंस में भी डला हुआ है अपने पास, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a1 माइनस a3, तो ये वाला ऑप्शन अपने पास मैच कर जाएगा, तो एक तो करेक्ट आंसर इसमें ये रहेगा। नेक्स्ट देखिए, एक छोटा सा कंसेप्ट पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं, वापस इस पर आएंगे। अगर अपने पास एक ऐसा सिस्टम दिया हुआ है जिसमें एक पुली और ये दो ब्लॉक्स हैं, लेट अस सपोज कि इनका मास m1 m2 है और ये किसी भी एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, सपोज ये m1 m2 मास के दो पार्टिकल्स हैं, एक्सेलरेशन इनका a है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे स्ट्रिंग में, टेंशन अगर अपन t मान रहे हैं तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम की इक्वेशन रहेगी t minus m1g equals to ma, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में इक्वेशन लिखेंगे तो m2g minus t equal to m2a। इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो जो टेंशन की वैल्यू अपने पास आती है वो है 2m1 m2 over m1 plus m2 into g। अच्छा, यही सेटअप अगर लेट अस सपोज कि किसी लिफ्ट में रखा हुआ है और वो जो लिफ्ट है वो मूव कर रही है किसी एक्सेलरेशन a से, लिफ्ट के रिलेटिव सॉल्व करेंगे तो एक सूडो फोर्स की टर्म और आ जाएगी, अगेन एक्सप्रेशन को जब अपन सॉल्व करेंगे तो जो चेंज आएगा वो यहाँ पर आएगा कि जी की जगह अपने पास जी इफेक्टिव आ जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो स्ट्रिंग में यहाँ पर जो टेंशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, कुछ ही, यही डाटा अपन वहाँ यूज करने वाले हैं। कंपेरिजन अगर अपन करते हैं तो ये आ रहा है कि दोनों ब्लॉक्स जो हैं इस पुली के साथ अटैच किया हुआ है इनको, और ये पूरा सेटअप नीचे की तरफ जा रहा है किसी एक्सेलरेशन a1 से,
तो मुझे यहाँ वाले स्ट्रिंग में टेंशन पता चल जाएगी, M1 M2 की वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ टेंशन टी है, यहाँ टेंशन टी है, तो इस जगह पर टेंशन जो आएगी वो अपने पास आएगी 2T। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन T1 की वैल्यू की बात कर रहे हैं, एक है M एंड दूसरा है 2M। तो देखिए ये आ जाएगा M, M2 है अपने पास 2M, और डिनोमिनेटर में बचेगा 3M। तो जब अपन इस टेंशन की बात करेंगे तो अपने पास टेंशन कितनी आ जाएगी, 4M/3G-A1। यहाँ स्ट्रिंग में जो टेंशन है ये इसका ट्वाइस हो जाएगी। तो अपन इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं जो स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। इस ब्लॉक पर देखिए फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे, एक तो यहाँ से आएगा फोर्स विच इज ट्वाइस ऑफ टी। जैसे ही ये सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा तो स्प्रिंग में एक्सपेंशन आएगा। लेट अस सपोज किसी एक्स एक्सपेंशन की बात करें तो इस पर जो फोर्स आएगा स्प्रिंग का वो आ जाएगा के एक्स, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो अपने पास है A1। ये डाटा अपन को इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज हमसे जो भी बातचीत की गई है वो इस ब्लॉक के बारे में पूछा गया कि इसकी स्पीड बताइए कितनी है, एक्सपेंशन इतना कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड एंड जो भी रिलेशन उसमें मैक्सिमम एक्सपेंशन की भी बात कर रहा है। तो थोड़ा यहाँ पर अपन इसके फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें तो इसको सॉल्व करने पर अपने पास क्या डाटा सामने आ रहा है, देखिए 2t-kx = इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। टी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, मैं वो वैल्यू यहाँ रिप्लेस करूँगा तो मेरे पास ये डाटा आएगा ट्वाइस ऑफ इट विच इज 8/3 m g-a1 - kx = 2 times m into a1। मैं यहाँ से a1 कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो a1 वाली टर्म्स मैं अलग से लिख रहा हूँ, 8 m a1/3 और 2 m a1/3 2 m a1 ये एक साथ रहेगा और दूसरी साइड अपने पास क्या रहेगा 8/3 mg - kx। थोड़ा सा अपन इसको आगे सॉल्व करके देख लेते हैं तो ये आएगा 14/3 m a1। और एक देखिए मैं यहां पर माइनस के बाहर लेके इस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूं x-8 mg/3 के, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहां पर। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बिकॉज एक्सेलरेशन जो है मेरे पास वो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल कुछ आ जाएगा, तो अपन SHM की बातचीत वहाँ से कर सकते हैं। मैं एक्सेलरेशन A1 को लिख रहा हूँ तो ये एक्सेलरेशन A1 आएगा मेरे पास -3k/14mx-8mg/3k, और ये जो इक्वेशन है ये SHM को रिप्रेजेंट कर रही है जिसकी मीन पोजिशन कितनी आ जाएगी x = 8mg/3k। अब अपन ने यहां पर देखिए ब्लॉक को रिलीज किया था x = 0 पर और इसकी मीन पोजीशन अपने पास आ रही है 8mg/3k पर। इट मींस जो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8mg/3k, और इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपने पास आने वाली है वो यहां पर हमें पता चलेगी ω2। तो ओमेगा कितना आ जाएगा √3k/14m। अब वापिस अपन क्वेश्चंस पर आते हैं। एक तो मैक्सिमम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, मीन पोजीशन पर जो एक्सपेंशन है वो है इसका 8mg/3k, एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड आएगा इसका ट्वाइस विच इज 16mg/3k। तो क्लियरली अपना ऑप्शन अपने पास नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें एक बात और कर रहा है कि व्हेन स्प्रिंग अचीव्स एन एक्सटेंशन ऑफ x0/2 फॉर फर्स्ट टाइम द स्पीड ऑफ ब्लॉक। तो हमें ये बताया कि जब ये ब्लॉक SHM परफॉर्म कर रहा है, x0/2 का मतलब वो मीन पोजीशन की बात कर रहा है और मीन पोजीशन पर इस ब्लॉक की जो स्पीड आ जाती है वो आएगी ए ओमेगा। एम्पलीट्यूड हमें पता है, ओमेगा हमें पता है, दोनों को जब अपन सॉल्व कर रहे हैं तो अपने पास जो डाटा आएगा वो आ जाएगा 8mg/3k √3k/14m, और ये डाटा इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो अपन इस ऑप्शन को भी यहाँ पर कंसिडर नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें एक और चीज इसमें पूछी हुई है, एन एक्सटेंशन ऑफ x0/4 ऑफ द स्प्रिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो जब अपन से ये एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, जब एक्सटेंशन कितना है x0/4, यानी कि इसकी मीन पोजिशन से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है a/2,
तो ए बाय टू डिस्प्लेसमेंट पर जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो हमें पता है कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये रिलेशन अपन यूज कर सकते हैं, या फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्ट हमें वैल्यू यहां से यूज करेंगे। तो जैसे ही अपन इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये ऑप्शन भी इसमें मिसमैच हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो सिर्फ ये वाला सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा जो कंस्ट्रेंट रिलेशन से अपने पास आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट से है। इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है कि एक डाइपोल है विच इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, और इसका डाइपोल मोमेंट है पी नॉट बाय रूट टू आई कैप प्लस जे कैप। इसको ओरिजिन पर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, इसने मेंशन किया हुआ है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई नॉट, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें। डाइपोल के अलावा एक यूनिफॉर्म फील्ड और है यहाँ पर। इस सर्कल का रेडियस आर गिवन है, ओरिजिन पर इसका सेंटर है, और डाइपोल का जो साइज है वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल रहेगा। हमसे देखिए बातचीत क्या कर रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, किस जगह पर क्या क्या वैल्यूज आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पूछ रहा है और रेडियस के बारे में बात कर रहा है। हम एक बात पे स्टिक कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात, इफ पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट ऑन सर्कल, नाउ पोटेंशियल इज गिवन कॉन्स्टेंट, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होनी चाहिए वो इस सर्कल के हर जगह परपेंडिकुलर, या फिर अपन कह सकते हैं कि रेडियल डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब फील्ड अगर रेडियल डायरेक्शन में आ रही है, कौन सी, एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट एज वेल एज फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस डाइपोल, दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस सर्कल के परपेंडिकुलर आना चाहिए। मुझे डाइपोल के बारे में पता है कि इसकी एक्सिस पर जो फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में रहेगी, इस पॉइंट पर नेट फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, इट मीन्स जो ई नॉट एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन है वो ये रहेगी। तो एक्सटर्नल फील्ड जो अपने पास आएगी वो डाइपोल की डायरेक्शन के अलोंग आएगी। एक इंपॉर्टेंट बात हमें ये पता चल रही है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल रहेगा। नेक्स्ट देखिए, मैं कोई भी एक जनरल पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं कि जो डाइपोल की एक्सिस है उससे किसी थीटा एंगल पर, डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ऐसे प्लेस किया हुआ है, इस डाइपोल के कारण जो फील्ड का कंपोनेंट यहां रेडियल डायरेक्शन में आएगा वो आएगा 2kp cos थीटा बाय r क्यूब, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट kp sin थीटा बाय r क्यूब टेंजेंशियल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये है कि फील्ड की डायरेक्शन अपन बोल रहे हैं कि e नॉट जो है वो डाइपोल के अलोंग है, तो इसके भी मैं यहां दो कंपोनेंट करूंगा, एक कंपोनेंट आ जाएगा e नॉट cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा टेंजेंशियल विच इज e नॉट sin थीटा। अब हम क्लियरली वहां बात कर रहे हैं कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो नेट फील्ड जो है वो इसके रेडियल डायरेक्शन में आनी चाहिए, तो टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट जो रहेगा वो जीरो होना चाहिए। तो मैं वहां से कंपैरिजन करके लिख रहा हूं कि ई नॉट साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू के पी साइन थीटा बाय आर क्यू। एक तो साइन थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, के को मैं 1/4πε0 पी बाय आर क्यू, एक्चुअली पी नॉट की बातचीत अपन यहां कर रहे हैं। तो देखिए r क्यूब जो है ये आएगा p नॉट बाय 4πε0 e नॉट, तो r की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, तो सबसे पहले तो एक रेडियस की बातचीत कर रहे हैं, ये अपने पास डाटा इसमें मैच करेगा p नॉट अपॉन 4πε0 e नॉट। नेक्स्ट देखिए, उसने हमसे पूछा हुआ है कि टोटल फील्ड एट पॉइंट ई बी के लिए अगर अपन इसी डाटा से जाएं तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जानी है। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो जो इस पॉइंट पर फील्ड रहेगी अपने पास वो देखिए कितनी आ जाएगी, रेडियल कंपोनेंट 2kp cos 90 बाय r क्यूब e नॉट cos 90 जीरो हो जाना है, ये ऑलरेडी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो नेट फील्ड जो b पॉइंट पर आ जाएगी वो जीरो हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, टेंजेंशियल वाले ऑलरेडी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो फील्ड एट पॉइंट बी इज जीरो। नेक्स्ट अपन बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल विल बी सेम, क्लियरली हमें यहां से पता चल रहा है कि वो सेम नहीं रहेगा, बिकॉज टेंजेंशियल वाले कंपोनेंट्स तो कैंसिल आउट कर देंगे,
रेडियल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो थीटा डिपेंडेंट आ जाएगा, थीटा की वैल्यूज अलग अलग रहेंगी तो ये वैल्यूज जो है वो अलग अलग आ जाएगी। नेक्स्ट अपन से बात कर रहे हैं टोटल फील्ड एट पॉइंट ए, ए पॉइंट की अगर बातचीत की जाए तो ए पॉइंट रेडियल डायरेक्शन में ही है, वहां पर फील्ड थीटा की वैल्यू जीरो है, तो नेट फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अपने पास 2kp0/r³ + e0, और e0 की वैल्यू हमें पता है kp0/r³, या फिर अपन e0 की टर्म्स में लिखे तो इसको 3 times e0 लिखा जा सकता है। वेक्टर फॉर्म में भी अगर कन्वर्ट करते हैं तो इस 3e0 के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, 3e0 cos 45 i cap, 3e0 sin 45 j cap, जो कि यहां मैच नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर आ जाएंगे वो आएंगे फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो अपने पास आ रहा है ये YDSE से है। इसमें गिवन है कि दो स्लिट्स हैं जिनमें सेपरेशन 0.3 mm गिवन है, स्क्रीन जो है वो 1 मीटर पर प्लेस किया हुआ है, पैरेलल बीम जिसकी वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है इस पर इंसिडेंट किया हुआ है। नाउ सी, यहाँ जो पैरेलल बीम इंसिडेंट की हुई है ये इस गिवन एक्सिस के साथ किसी अल्फा एंगल पर, तो ऑलरेडी हमें यहाँ से एक चीज़ क्लियर पता चलनी चाहिए कि जब ये स्लिट्स पर इंसिडेंट हो रही है तब तक इनके पास कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस विच इज डी साइन अल्फा यहाँ मौजूद होगा। नेक्स्ट ऑन द स्क्रीन द पॉइंट ओ इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स, तो ये सेंट्रल पॉइंट आ जाएगा अपने पास, और डिस्टेंस पी ओ, ये वाला जो डिस्टेंस है लेट इट बी वाई, ये हमें गिवन है 11 मिलीमीटर। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। अगेन देखिए पहले ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पॉइंट पी पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अल्फा की वैल्यू के लिए, पॉइंट पी पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पॉइंट ओ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और फ्रिंज स्पेसिंग की बात कर रहे हैं। तो मेनली हमसे जो बातचीत करेगा वो ये कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेगा इन गिवन पॉइंट्स पर। तो उसके लिए हमें पता है पाथ डिफरेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैंने ये मान लिया कि ये वाला जो पॉइंट है किसी एंगुलर पोजिशन थीटा पर है ये, तो जो पाथ डिफरेंस यहां पर आ जाएगा वो आएगा डी साइन थीटा। तो जो टोटल पी पॉइंट पर अपने पास पाथ डिफरेंस आएगा वो आएगा डी साइन अल्फा प्लस डी साइन थीटा। सबसे पहले डी साइन थीटा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं अपन। डी साइन थीटा को स्मॉल थीटा के लिए मैं अप्रोक्सीमेटली डी टेन थीटा लिख दूं, और टेन थीटा जो है ये आ जाएगा अपने पास वाई बाय डी। तो स्मॉल डी की वैल्यू हमें पता है 0.3 mm, y हमें पता है 11 mm, और d की वैल्यू है 1। तो इसको मैं लिख रहा हूं 33 × 10⁻¹⁷ मीटर्स, राइट। वेवलेंथ जो गिवन है, वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻¹⁷, 6 × 10⁻¹⁷ मीटर। अगर अपन बातचीत करें तो ये अपने पास आ रहा है 5.5 लैम्डा। तो इस गिवन पॉइंट पी पर इन दो रेज में स्लिट्स के पास होने के बाद जो पाथ डिफरेंस आएगा वो 5.5 लैम्डा है, राइट। अल्फा इक्वल टू जीरो के लिए पॉइंट पी पर एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, बिकॉज मैक्सिमा की जो कंडीशन रहती है वो है डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा। तो और मिनिमा की जो कंडीशन रहेगी वो ये रहती है कि डेल्टा एक्स आ जाएगा 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा। तो क्लियरली यहाँ पर एक मिनिमा मिलने वाला है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो अल्फा इक्वल टू जीरो अपन पॉइंट यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रिंज स्पेसिस की बात कर रहे हैं। तो फ्रिंज विड्थ तो हमें पता है कि लैम्डा डी बाई डी रहती है, अल्फा से ये इंडिपेंडेंट रहेगी, अल्फा का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, तो फोर्थ ऑप्शन भी अपना यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो है ये सेम अल्फा के लिए बात कर रहे हैं। अल्फा की वैल्यूज देखते हैं अपन। अल्फा जो है ये 0.36/π डिग्रीज में गिवन है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू अपने पास ये आएगी, पाई कैंसल आउट हो रहा है और ये आ जाएगा अपने पास 1/500 रेडियन। इसके करस्पॉन्डिंग जो पाथ डिफरेंस आएगा
इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखना जरा, d जो कि अपने पास 0.3 mm के इक्वल है और इनटू साइन अल्फा, अल्फा स्मॉल है तो साइन अल्फा को अप्रोक्सीमेटली अल्फा लिखेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1/500। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये आ रहा है 6 × 10⁻⁷ मीटर और ये लैम्डा के इक्वल है। तो जो यहाँ पैरेलल रेज जो आ रही थी इस पर इंसिडेंट हो रही थी उनका जो पाथ डिफरेंस है ये लैम्डा के इक्वल है और ये पाथ डिफरेंस अपने पास 5.5 लैम्डा के इक्वल है। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे अपन, इफ अल्फा इक्वल टू 0.36 अपॉन पाई डिग्री देयर विल बी अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पर देखेंगे तो पाथ डिफरेंस कितना, लैम्डा यहां पर 5.5 लैम्डा यहां पर, तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा 6.5 लैम्डा। तो क्लियरली ये एक मिनिमा का पॉइंट है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, अल्फा की इसी वैल्यू पर पॉइंट ओ की बात कर रहा है, तो ओ पॉइंट जो है यहां पर जो भी रेज आएंगी स्लिट्स के पास होने के बाद वहां पाथ डिफरेंस रहेगा जीरो, इनिशियल पाथ डिफरेंस है लैम्डा, तो ओ पॉइंट पर इस गिवन एंगल के लिए जो टोटल पाथ डिफरेंस आ रहा है वो है लैम्डा, तो लैम्डा पाथ डिफरेंस पर एक मैक्सिमा मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा, तो इस ऑप्शन को भी अपन यहां कंसिडर नहीं करने वाले हैं। तो क्लियरली अपने पास इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास आ रहा है ये है ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस में आ जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड बेसिकली पूछा गया है। इसमें गिवन है कि 3 ग्लास सिलेंडर्स हैं, इक्वल हाइट इनकी गिवन है 30 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका सेम है 1.5, और फर्स्ट सिलेंडर जो है इसका सरफेस टॉप है जो है वो फ्लैट है, सेकंड सिलेंडर का जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स टॉप है और थर्ड का जो टॉप है वो बेसिकली कॉन्केव सरफेस है। गिवन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड के लिए भी और थर्ड के लिए 3 मीटर है। अब अपरेंट डेप्थ ऑफ पॉइंट एक्स, इस पॉइंट की इमेज बनानी है इन तीनों सर्फेसिस पर, तो उनकी जो अपरेंट डेप्थ आ रही है वो है h1, h2 एंड h3 रिस्पेक्टिवली, हमें वही कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो 1/1 अपन तीनों सिचुएशंस के लिए इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट केस में μ2/μ1 इंटू डी रियल, जो अपरेंट हाइट अपने पास आ जाएगी वो आएगी μ2/μ1 इंटू डी रियल, तो इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू अपने पास आ रही है 20 सेंटीमीटर। सेकंड केस में अपन देखिए रिलेशन यूज करेंगे, कॉन्वेक्स सरफेस पर रिफ्रैक्शन, तो जब कॉन्वेक्स सरफेस पर अपन रिफ्रैक्शन देख रहे हैं तो ये फर्स्ट और सेकंड मीडियम अपने पास गिवन है, साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए मैं लिख रहा हूं μ2/v माइनस μ1/u, और u यहां पर अपन लेंगे उसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो कि नेगेटिव आएगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग 30 सेंटीमीटर नेगेटिव का, इक्वल्स टू μ2-μ1/r, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये भी अपना माइनस में आएगा, ये मीटर्स में गिवन है। तो पूरा डाटा अपन सेम यूनिट्स में लेके आएंगे, तो 30 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये अपने पास आ जाएगा 1/v2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, इसको मीटर्स में कन्वर्ट किया यहाँ आ जाएगा -1/2 / -3, तो ये आ जाएगा अपने पास +1/6। 1/v2 जो रहेगा वो आ जाएगा 1/6 - 5, तो ये वैल्यू अपने पास सामने आएगी -29/6, तो जो v2 अपने पास आ जाएगा ये आ जाएगा -6/29 मीटर्स में ये वैल्यू आ रही है, राइट। माइनस आने का ये मतलब होगा कि जो इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी। तो h2 की अगर बातचीत की जाए तो h2 अपने पास आ जाएगा 6/29 मीटर। नेक्स्ट जो अपने पास थर्ड केस दिया हुआ है, थर्ड केस में जो टॉप है वो कॉनकेव है बेसिकली, अगेन अपन यही रिलेशन यूज कर रहे हैं थर्ड सिचुएशन के लिए, तो μ2/v माइनस μ1/u, अगेन उसको मैं मीटर्स में कन्वर्ट करके लिखूंगा, इक्वल्स टू μ2-μ1/r, साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे तो यहां अपन प्लस यूज करने वाले हैं। कैलकुलेशन में 1/v3 माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, अगेन 5 इक्वल्स टू ये आ जाएगा अपने पास -1/6, तो 1/v3 जो आएगा ये आएगा -1/6 - 5, तो v3 की जो वैल्यू आ जाएगी -6/31 मीटर्स में ये वैल्यू। h3 की अगर बात करें तो ये आ जाएगा प्लस 6/31 मीटर्स।
अब अपन ने इन तीनों को कंपेयर करना है। इसको भी अगर अपन मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा 1/5, जिसको मैं लिख सकता हूं कुछ 6/30 मीटर। तो H1, H2 और H3 का कंपैरिजन करना है हमने। क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो मैक्सिमम आएगा वो H2, उसके बाद अपने पास आएगा H1 और लास्ट में रहेगा H3। H3 की वैल्यू ग्रेटर देन H1 तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। H2 ग्रेटर देन H3 मैच कर रहा है अपने पास। H2 ग्रेटर देन H1 ये भी मैच कर रहा है। और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन जो आएगा H2 - H1, तो H2 - H1 अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये अपने पास आएगा 6/29 - 6/30। तो क्लियरली आएगा 6/29 × 30 मीटर्स में आ रहा है। मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये डाटा, और 600/29 × 30 इस रेंज में ये लाई नहीं करने वाला, तो अपन इस ऑप्शन को भी चूज नहीं करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3।